नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ऐसा क्यों? आज मैं बात करने वाला हूं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये काफ़ी कॉमन टर्म है, आपने सुनी ही होंगी। पर आपके मन में कई बार सवाल उठता होगा कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होती है, वहीं इंसुलेटर में करंट नहीं होती फ्लो। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें तो कुछ कंडीशन पर इसमें करंट फ्लो होती है। ये तो बात हो गई कि मैटर को हमने उसके कंडक्टेंस के आधार पर डिवाइड किया। इन सभी चीजों को समझने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, हमें पता है एटम क्या है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। दूसरे शब्दों में कहें, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मैटर की, जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वहीं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऑर्बिट में एनर्जी लेवल पे, अपने अपने एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि ऑर्बिटल पर रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास जितना पास होता है उसका एनर्जी लेवल उतना कम होता है, लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं उसे। और जो ऑर्बिटल जितना दूर होता है न्यूक्लियस से, वो उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। इसमें जो लास्ट एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। अब ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्मेशन में और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब किसी मैटर को एनर्जी दी जाती है तो लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं। आउटर मोस्ट वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब और ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल बैंड पर जंप कर जाते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब इन दोनों बैंड्स के बीच में जो डिफरेंस है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। जब मैटर में एनर्जी दी जाती है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर और हायर एनर्जी बैंड पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब इस कंडक्शन बैंड से होता क्या है, दूसरे एडजेसेंट एटम के कंडक्शन बैंड पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं। अब जो कंडक्शन बैंड पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इजी होता है दूसरे एटम के कंडक्शन बैंड पर आसानी से जंप करना। आसान शब्दों में समझें तो एक कॉमन पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे मैटर में आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब जो मैटर में हर एक एटम के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम से होता हुआ पूरे मैटर में कहीं भी मूव कर जाता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं, कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉरबिडन गैप, ही डिसाइड करता है कि मैटर कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में होता क्या है, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप होते हैं, जिस वजह से फॉरबिडन गैप बिल्कुल भी नहीं होता, और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब आप जानते हैं करंट कैसे फ्लो होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट कॉज टू फ्लो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव होने से करंट फ्लो करती है। जिस भी एलिमेंट में कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ओवरलैपिंग होने की वजह से कंडक्शन बैंड पर बहुत से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, जिस वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब कंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंसुलेटर की। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इंसुलेटर में काफ़ी लार्ज होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए
इम्पॉसिबल हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है लगभग लगभग एम्प्टी होता है, और किसी भी मैटर के लिए अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी है तो उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसी वजह से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है। इसी वजह से इंसुलेटर को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं बोर्ड, पॉलीमर मटेरियल, सिरेमिक, ग्लास, ये सभी करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। चलिए दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका एनर्जी गैप है जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इंसुलेटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। वहीं कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में ओवरलैपिंग की वजह से ये एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होता। अब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जो कि कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। इसकी कंडक्टेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जिस वजह से कंडक्टेंस होती है। अब डोपिंग होती क्या है, इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं। जैसे होल्स क्रिएट करने के लिए ट्रायवेलेंट एलिमेंट का यूज होता है, बोरोन और एल्यूमिनियम, और पेंटावेलेंट एलिमेंट का यूज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आर्सेनिक और फॉस्फोरस, जिस वजह से सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस बढ़ जाती है। और इसके एग्जांपल मैं बता देता हूं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं सिलिकन और जर्मेनियम। अब आप इन तीनों डायग्राम को एक साथ देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कंडक्शन में फॉरबिडन गैप नहीं होता, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, जिस वजह से कंडक्शन होती है। वहीं इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप काफ़ी लार्ज होता है, जिस वजह से कंडक्शन नहीं होती। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो फॉरबिडन गैप होता है काफ़ी स्मॉल होता है कंपैरिजन टू इंसुलेटर पर, लेकिन इसकी कंडक्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और डोपिंग पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो डाउट्स कंडक्टर इंसुलेटर के रिगार्डिंग थे आपके क्लियर हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।